ये सारा का सारा पालमपुर का बस स्टैंड देख सकते हो ना, कितनी ज्यादा बसेज हैं और मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है। एरिया काफी बड़ा है गाइस, सामने देखो गाइस अल्टीमेट, और ये आसमान देखो इतना प्यारा लग रहा है। और गाइस सामने देखो यार, ये जो सनसेट हो रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है गाइस, वाओ। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और गाइस आज का जो ब्लॉग है ना, रात के टाइम शुरू हो रहा है, 9 बजे से शुरू हो रहा है। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं चंबा टू पालमपुर, और ये हमारे राकेश भाई, और भाई क्या हालचाल, और ये है हमारे बाकी ये अखिल भाई, ये हमारे तनु भाई। और गाइस आज हम लोग जाने वाले, वैसे नाइट का हमारा जो प्लान बना है एकदम से, थोड़ा काम था भाई को इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम जाएंगे चंबा टू पालमपुर भाई, जो भी रहेगा इस बार भी आपको दिखाने वाले, काफी प्यारा एक्सपीरियंस रहने वाला है। गाइस आपने बने रहना, अभी शाम का रात का टाइम है तो अंधेरा तो होगा ही होगा। तो और भाई कैसी फीलिंग है फिर नाइट रात के टाइम? बढ़िया भाई, सफर करने में मजा आता है वैसे रात के टाइम। और भाई हेलो, और भाई तू कहाँ गायब है? गाइस अभी बज रहे रात के 9:30 बज रहे। गाइस हम लोग आज पालमपुर जा रहे हैं, मतलब नाइट रात का ही सब कुछ रहने वाला है, रात को किस तरह का हमारा सफर रहता है। और गाइस ये है अपनी गाड़ी, यहाँ पे देख सकते हो ना किस तरह से लगी हुई, यहाँ पे अभी धोने का काम कर रहे हैं हमारे भाई, यहाँ क्योंकि यहाँ पे गाइस पानी है ना, और पानी में थोड़ा धोने का प्रयास कर रहे हैं हमारे भाई। भाई अंदर ही मैं ठोक देना भाई, खतरनाक ही राइडर है हमारे भाई। सो गाइस यहाँ पे ना हमारे साथ थोड़ा स्कैम हो चुका है, गाड़ी के ना दरवाजा खुला था, अंदर पानी भी आ गया। और ये हमारे राकेश भाई, भाई कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है फिर, मजा आ रहा है ना? मतलब आज फर्स्ट टाइम मोहन भाई के साथ हम फिर से जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम के बिल्कुल बिल्कुल हम जा रहे हैं। और गाइस मतलब नए एक्सपीरियंस के साथ ही आपको कुछ नया ही दिखाएंगे, जैसे मतलब डेली दिखाते हैं। गाइस आपने ना बने रहना है, काफी प्यारा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि हम लोग ना रात को निकल रहे, देखते कब तक पहुंचते पालमपुर और कब तक क्या रहता है। तो आपने गाइस हमारे साथ बने रहना है। रात के 10:15 बज रहे और हम लोग रुके हैं यहाँ पे ना डिनर करने के लिए, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा भूख लगी है सुबह से। वैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद टाइम नहीं लग पाया खाना खुना खाने का। और फिलहाल गाइस हम लोग ना जोत की इस लोकेशन पे रुके हैं, यहाँ पे अभी खाना वगैरह होगा हमारा, और बाकी हमारी ना गाड़ी यहाँ पे साइड पे लग चुकी है। और गाइस देख सकते हैं अभी हमने खाना खा लिया भाई, और मोहन भाई ने पेंट भर के खाओ पहले भाई, ये देखो रंगार, देखो भाई हमारा कितना ही सारा भाई ने खाया, मतलब 50% कोई भाई ने खाया, हमने तो थोड़ा थोड़ा खाया भाई, क्योंकि भाई को ना कुछ आज ज्यादा ही भूख लगी थी, हाँ थोड़ा ज्यादा खा लिया, कोई बात नहीं तो क्या है ना। फाइनली गाइस हमारा ना डिनर हो चुका है, और ये है हमारे भाई लोग, और ये है रात का माहौल। भाई कैसी फीलिंग है फिर? और ये देखो गाइस ना हमारी कुकुती वाले जो ट्रैक था ना, वो हमें बड़ा कुछ सीखा भाई, बड़ा कुछ सिखा दिया है उस चीज ने हमें। और ये देखो भाई पीछे हमारे भाई लोग, और भाई डेड कहाँ है तुम लोगों का कि मुंडिया की छुपा रहे हो भाई, तुम लोग ब्लॉग में आओगे? हाँ मैं नहीं पता क्या 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 क्या, रुको रुको रुको, वेट ये क्या है? सो गाइस सामने देख सकते हो, ये गीदड़ है भाई, गीदड़ है। क्या बात है गीदड़, ओ भाई भाई गाड़ी में ठोको गीदड़ के चक्कर में भाई। तो कहीं अभी रास्ते में ना हमने सोचा कोई बात कर रहे थे कि कुछ दिख जाए, और गिदड़ मिल गया हमें खतरनाक वाला, वो भी अकेला चला था बेचारा। क्या 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 क्या, कुछ तो होगा कुछ नहीं होगा भाई। सो कहीं तभी रात के टाइम क्या हो रहा है, 12:11:20 11:30 बज रहे भाई, 12 नहीं। तो गाइस रात के 11:30 बज रहे, और हम लोग ना अभी यहाँ चंबा से थोड़ा ही दूर जुआड़ी नामक जगह पे पहुंच चुके हैं। और भाई लोग कैसी फीलिंग है फिर? भाई इनको क्या हो गया जैसे कैमरा किया भाई, मुंह छुपा रहे हैं यार, शर्मा रहे हमारे जवान के। पूरे 12 बज रहे और हम लोग पहुंच चुके हैं लाडू, मतलब यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे ना हमारी गाड़ी की फिलहाल चेकिंग वगैरह हो रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे ना राकेश भाई के। और फिलहाल गाइस हमारी ना गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे। और यह और अखिल कैसी फीलिंग है फिर रात के टाइम, है ना जबरदस्त? गाइस यहाँ पे ना हमारे भाई की सामने बिल्कुल क्लास लगी हुई है, पता नहीं डॉक्यूमेंट्स क्या सिस्टम चला है, तो अभी देखते कब तक ये हमें छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट है गाइस, यहाँ पे ना चेकिंग वगैरह हो रही है खतरनाक तरीके। गाइस रात के बज चुके 12 और हम लोग ना थोड़े हमारी आवाज़ भी थोड़ी डाउन हो चुकी है, कान भी वैसे लग रहे हैं ना जैसे पर्दे फटने वाले हो चुके हैं, तो ऐसा माहौल है गाइस यहाँ का भी। फिलहाल ना गाड़ियाँ आ जा रही है, और आगे पीछे का माहौल कुछ लोकेशन इस तरह की है, और ये हमारी गाड़ी लग चुकी है। तो गाइस आपने बने रहना है, देखते क्या बनता है, कब तक यहाँ से छूटते हैं, कब तक जाते हैं। और बाकी गाड़ियों के लिए देख सकते हो ना खुल गया, ये हमारे लिए नहीं खुल रहा है। गाइस अभी टाइम हो रहा है पूरे 1:00 बज रहे हो गाइस, हमारे साथ ना थोड़ा स्कैम हो गया यार, हमारा चलान हो गया काफ़ी बड़ा चलान, तो क्या ही बताएं अब कितने का हुआ, मतलब इतना समझ लो कि काफ़ी बड़ा हो गया, तो मतलब सैड है सभी। और यहाँ पे ना भी हमने रेस्ट के लिए गाड़ी खड़ी करी है,
जहाँ पे गाइस हमारा चलान हुआ वहाँ से लोकेशन काफ़ी दूर है। तो ये हमारे भाई और दोनों भाई अंदर सो चुके हैं और फिलहाल हम भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। क्योंकि गाइस ना मन सा यार थोड़ा उदास हो गया, चलान हो गया बिना मतलब का, छोड़ो वो बात छोड़ो। और फिलहाल हम लोग ना अभी आराम करने वाले हो गए। यहाँ की लोकेशन काफ़ी ना थोड़ी खुली खुली सी है, बट अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा तो क्या फ़ायदा अपने गाइस बने रहना है। सो गाइस हमारे ना दोनों भाई डेड हैं, मतलब सो चुके हैं, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। भाई हंस पड़ा एक कौन ऐसा भाई, कौन ऐसा भाई, कोई भी नहीं ऐसा। ये सर खांसी आ रही है और ये हमारे राकेश भाई, राकेश भाई स्कैम ही हो गया यार बिना मतलब का, है ना। कुछ नहीं बोल सकते भाई, दिल दुखी हो गया था। कितनी खुशी के साथ चले थे, लाइव चले थे, मतलब बातचीत कर रहे थे, गाने सुन के, क्या वो चिड़चिड़े सोए से गालियां दे रहा है। क्या करें गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 4 बजे। हम लोग ना जाग चुके हैं, जैसे हम लोग जैसे रेस्ट करने के लिए रुके थे तो अभी 4 बजे यहाँ से ना जागे हैं। और हमारे ना लड़के लोग पीछे बिल्कुल गहरी नींद ले रहे हैं, ये देखो भाई क्या मजा है। और राकेश भाई कैसा है, सब कुछ बढ़िया है ना? फिलहाल सब कुछ बढ़िया है गाइस, क्योंकि ठीक था, मतलब ना गर्मी थी ना ठंड थी, हो गया मतलब आराम, हमारा रेस्ट हो गया। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब देखते हैं कब तक कहाँ रुकते हैं, क्या बनता है। फिर आपने ना बने रहना है हमारे साथ, और सड़क तो हल्की हल्की दिखेगी आपको सामने। अभी सुबह के पूरे पूरे 6 बजे हम लोग ना पालमपुर में एंट्री कर चुके हैं। क्या बोलते भाई, तो कैसा सफर था फिर? पूरी रात और पीछे भाई लोग डेड है हमारे हैं। ले मजे पूरे, हाँ पूरे सोने के मजे ले लिए। मतलब हम लोग 4 बजे से 4 बजे निकले थे उस लोकेशन से जहाँ पे हम लोग ना रेस्ट कर रहे थे, और अभी के टाइम पे 6:15 इतना ही टाइम हो रहा है। और फिलहाल ये है पालमपुर। फाइनली गाइस हम लोग पालमपुर में पहुंच चुके हैं, और गाइस सामने देख सकते हो ना, ये है पालमपुर का सामने बस स्टैंड। और गाइस हमने ये यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और गाइस हम चंबा से ना रात को 9 बजे चले थे, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6:15 बज रहे हैं सुबह के। तो 6:15 बजे गाइस हम लोग यहाँ पहुंचे, बीच बीच में रुके पे रुके थे वहाँ पे, वहाँ से हम लोग 4 बजे निकले थे, 4 to 6, 2 घंटे का टाइम लग गया। और बाकी गाइस यहाँ का माहौल काफ़ी प्यारा है, और गाइस काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। और सामने के गाइस ये पहाड़ देखो यार, इतने अल्टीमेट लग रहे हैं ना। जब गाइस धूप लगने वाली है जो थी उस टाइम पे, जब ये चमकेंगे गाइस वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग होगी। और अभी फिलहाल हम लोग ना गाइस रेस्ट करते हैं, क्योंकि थक काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। थक तो लगनी है गाइस, गाड़ी में बैठ बैठ के थक लग जाती है यार। सो गाइस टाइम है सुबह का, और हमारे भाई लोग ना अभी पालमपुर के खड्डे भरने जा रहे हैं। भाई भर देना सारे के सारे, ठीक है? और ये वाले भाई तो पक्का भर देंगे खतरनाक तरीके, क्या बोलता भाई है? है ना, ठीक बोला ना भाई? फाइनली गाइस हमारे भाई खड्डे भर के आ चुके हैं पालमपुर के। भाई भर दिए ना, फुल कर दिए हमारे भाई ने, तो लगा भी घंटी ओवरलोड। क्या बात है, अब दूसरे भाई कहाँ गए? ओवरलोड कर रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा ओवरलोड भाई, क्या बात है। गाइस देखते हैं धूप लगती है या नहीं लगती है, बट बस बारिश नहीं लगनी चाहिए, बाकी हम सरवाइव कर लेंगे। बाकी 8 बज चुके और हम लोग ना अभी तक गाड़ी में ही बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद गाइस हम लोग निकलने वाले हैं, मतलब थोड़ा शूट करने वाले हैं, थोड़ी लोकेशन विजिट करने वाले हैं। और गाइस ये हैं हमारे अखिलेश भाई, जिनका ना न्यू चैनल आने वाला है हल्लड़ ब्लॉगर करके, जिसका नाम होगा चैनल का। और ये हमारे तरसेम भाई, तनु भाई, और ये हमारे राकेश भाई। भाई क्या नाम रखा इसके चैनल का? हल्लड़ ब्लॉग, हल्लड़ ब्लॉग्स। भाई ऐसे है भाई, 1 महीने में सौरभ जोशी को टक्कर देंगे। चैलेंज कर रहे हैं भाई हल्लड़ ब्लॉगर। गाइस जब से हम लोग ना यहाँ पालमपुर पहुंचे तब से हम लोग ना रेस्ट ही कर रहे थे, और फिलहाल अभी धूप भी निकल आई है, सामने देख सकते हो हल्की हल्की गाइस धूप है, और मौसम कुछ इस तरह का है। और गाइस देखना अभी ये है, सबसे पहले गाइस ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं पे जाके, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी वीडियो शूट करेंगे। तो गाइस आपने ना बने रहना है, और फिलहाल यहाँ का गाइस माहौल कुछ इस तरह का, अभी के टाइम पे सुबह काफ़ी प्यारा था, अभी भी काफ़ी प्यारा है गाइस। ये पहाड़, ये धौलाधार की घाटियाँ देख सकते हो ना, ऊंची ऊंची चोटियाँ इतनी अल्टीमेट लग रही है ना, मतलब चमक रही है बिल्कुल, अभी तो अच्छे से धूप भी नहीं लगी है। तो और ये है यहाँ का बस स्टैंड,
और ये हैं मिस्टर हलड़ ब्लॉग्स, और ये हैं हमारे मिस्टर तरसेम भाई और बोले तो नवरंग भाई, और ये हैं हमारे राकेश भाई। और भाई कैसी फीलिंग है फिर? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पालमपुर। वेलकम टू पालमपुर। और अभी हम लोग ना थोड़ा मार्केट की तरफ निकल चुके हैं। तो गाइस हम लोग ना अभी थोड़ा मार्केट की तरफ निकल चुके हैं सुबह सुबह, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी अभी करने को है। तो गाइस सामने भी देख सकते हो यहाँ की मार्केट ना कुछ इस तरह की अभी खाली खाली। गाइस सामने का जो माहौल दिख रहा है ना, व्यू आ रहा है ना अल्टीमेट गाइस, ये धौलाधार की चोटियाँ काफी ऊंची ऊंची, सामने ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल दीवार सी खड़ी हो रखी है, और सामने का व्यू देख सकते हो। और ये हमारे राकेश भाई, भाई कैसी फीलिंग आ रही है? मस्त फीलिंग मस्त, सारी की सारी नींद उड़ गई। वैसे हम सोए नहीं थे रात को उतना, बट नींद उड़ गई है ना। और फिलहाल गाइस आपने ना बने रहना, यहाँ का एक्सपीरियंस दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से मिलाएंगे, यहाँ की पब्लिक के साथ बातचीत करेंगे, तो देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। ना सुबह सुबह मार्केट की एंट्री कर ली है, बट यहाँ से ना अभी फिलहाल 9 बज चुके हैं, 9 बजे के टाइम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी मार्केट पूरी की पूरी बंद लग रही है हमें। और गाइस सामने देखो काफी यूनिक सी हमने बिल्डिंग देखी है, बिल्कुल डिजाइन देखो गाइस इसका, किस तरह का डिजाइन है, बिल्कुल मतलब तिरछी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो मतलब किस तरह से इसे बनाया गया होगा वो तो इंजीनियर्स को पता है। भाई कैसा लग रहा है? खतरनाक डिजाइन है ना, बिल्कुल खतरनाक वाला डिजाइन, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गिर जाएगी पर गिरेगी नहीं, वही तो डिजाइन है। गाइस सामने वाला माहौल देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, अल्टीमेट लग रहा है। और फिलहाल गाइस हम लोग ना मार्केट ऐसे चले हैं सड़क सड़क, और सुबह ना हम यहाँ का ना मार्केट व्यू देख रहे हैं, सुबह से बंदर आगे पीछे भटक रहे हैं। और फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ पे इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे श्री राम जी का मंदिर, गाइस दर्शन कर लो हम लोग भी कर लेंगे, जय श्री राम। और गाइस यहाँ के आसपास का माहौल देखो काफी प्यारा और काफी चमकीला सा लग रहा है, तो यहाँ पे माथा टेकते हैं सबसे पहले, जय श्री राम। गाइस काफी प्यारा और काफी अल्टीमेट मंदिर है देख सकते हो यहाँ पे। और सामने का माहौल देखोगे जिस तरह का है, इस तरफ देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और गाइस अभी ना अभी के टाइम पे रश काफ़ी ज़्यादा कम है, लोग काफ़ी ज़्यादा कम है, और रश भी काफ़ी कम है, बाज़ार मार्केट भी कम है, तो देखते हैं कि इस तरह का कब तक लोग आते हैं, कब तक हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ, तो आपने कहीं बने रहना है। यहाँ से जो अल्टीमेट व्यू दिख रहा है ना सामने का, जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं अल्टीमेट, वाह मतलब देख के ही सुकून मिल रहा है गाइस। और सामने देखोगे इस अल्टीमेट, और ये आसमान देखो इतना प्यारा लग रहा है। और गाइस इस तरफ देखोगे ये था श्री राम जी का मंदिर, जय श्री राम। और गाइस सामने देखो यार मतलब इतना अल्टीमेट लग रहा है ना यहाँ पे। और गाइस हल्की हल्की धूप है, मतलब हल्के हल्के बादल हैं, तो मतलब सर्वाइव करने में काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि गाइस धूप होती, ज़्यादा धूप होती तो फिर गर्मी से ना मतलब हुडी वगैरह निकालनी पड़ती है, फिर ज़्यादा ही गर्मी हो जाती, पसीने छूट पड़ते हैं, या तो ठंड होती है फिर ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। ठीक है मतलब ऐसा मौसम रहेगा तो ठीक हम सर्वाइव कर पाएंगे। और अभी थोड़ी देर बाद ना वीडियोस निकालने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, ढेर सारा प्यार देना है, लोगों के साथ बातचीत भी करने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ की पब्लिक कैसा रिस्पांस देती है, यहाँ के लोग किस तरह के हैं, तो बातचीत तो करेंगे क्योंकि लोकेशन पे आए हैं, तो वहाँ के लोगों से ना मिलना हुआ ऐसा हो नहीं सकता, तो लोगों के साथ मिलेंगे, जैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी हम लोग ना सुबह के वीडियोस वगैरह बना रहे थे, अभी हमारा टाइम है ना थोड़ा ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि हमने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक, थोड़ा खाते पीते हैं देन उसके बाद लोगों के साथ बातचीत करने, तो गाइस आपने ना बने रहना है। गाइस जैसे हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट किया फटाफट, क्योंकि भूख लगी थी गाइस, सुबह से हम लोग वीडियोस बना रहे थे। और गाइस वैसे ही हम लोग आ चुके पालमपुर के बस स्टैंड पे, गाइस यहाँ का बस स्टैंड आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सामने देखो यार अभी के टाइम पे ना जो लाइटिंग आ रही है, जो लाइट मतलब धूप लगी है काफ़ी प्यारी है, सामने चमक देखो यार, ये आसमान इतना प्यारा लग रहा है। और ये है गाइस यहाँ का बस स्टैंड काफ़ी अल्टीमेट, और फिलहाल गाइस काफ़ी मतलब उतनी गर्मी भी नहीं है, मतलब ठीक है चल जा रहा है काम। तो गाइस अभी हम पालमपुर के बस स्टैंड में, देखते कब तक क्या रहता है, तो आपने गाइस बने रहना है। और फिलहाल यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का काफ़ी प्यारा, ये आसमान देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। और ये पूरे 12 बज रहे हैं, हम लोग ना यहाँ पे पूरी मार्केट विजिट कर रहे थे, और पूरी मार्केट विजिट करते वीडियोस वगैरह बनाते ना अभी थक भी लगी काफ़ी ज़्यादा, और अभी हमने रेस्ट भी किया। तो गाइस ये है यहाँ की प्यारी सी मार्केट, सामने देख सकते हो किस तरह से मतलब गाड़ियाँ वगैरह चली हैं। गाइस दिन में जो धूप है ना मतलब धूप से बुरे हाल हो चुके, और आज ना गाइस देख सकते हो मैंने चप्पल ही पहन, पूरे 2 बज रहे गाइस। हमारे साथ जो हमारे भाई थे राकेश भाई, उनको गाइस थोड़ा ना काम था, इसलिए हम लोग अपनी वीडियोज़ बना के या फ्री होके ऐसे बैठे हैं, धूप गाइस काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ से जो मतलब पालमपुर के जो बस स्टैंड का व्यू दिखता है ना वो काफ़ी अल्टीमेट है, गाइस सामने देख सकते हो इतना अल्टीमेट है। तो गाइस ये सारा का सारा पालमपुर का बस स्टैंड है, देख सकते हो ना कितनी ज़्यादा बसेज हैं, और मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है, एरिया काफ़ी बड़ा है गाइस, ये सारा का सारा गाइस पालमपुर का बस स्टैंड है देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक। तो गाइस
और गाइस काफी ज्यादा मतलब गर्मी है यहाँ पर। इस गर्मी में ना हमने फिर भी हुडी देख सकते हो, हुडी वगैरह पहनी हुई है। गाइस अभी हम लोग ना खाना वगैरह खाया, हमने लंच किया, और गाइस सुबह से ना जो हालत हुई गाइस गर्मी में वो नेक्स्ट लेवल थी। मतलब इतना बुरा हाल हो गया गाइस, इतनी मतलब गर्मी है। और गाइस हम लोग तो मतलब सुबह से वीडियो बना ही फ्री हो गए थे जल्दी, और 3 घंटे गाइस हमें एक शॉप पे बैठना पड़ा जहाँ पे हमने ना लंच किया था वहीं पे बैठना पड़ा। वो भी सोच रहे होंगे कि यार कहाँ से आगे, कौन से नमूने आगे, कितनी देर से बैठे हुए, वहां पे थोड़ा रिलैक्स हुए। और गाइस अभी के टाइम पे जो माहौल है ना यहाँ का काफी अल्टीमेट, काफी प्यारा। ये है बस स्टैंड, आपने पहले भी देखा। और गाइस अभी फिलहाल फाइनली ना हमारे राकेश भाई आ चुके हैं, तो अभी गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी में गाइस कौन सा सुख होने वाला है, वहां पे भी गर्मी होने वाली है, गर्मी में बैठेंगे। चलो वो है कि अपनी तो होगी ना वहां पे शॉप पे बैठे थे मतलब इतनी देर से, वो भी बोल रहे होंगे कहाँ से आ गए नमूने। और गाइस ये देखो यहाँ का ना माहौल कुछ इस तरह का भी देख सकते हो, और ये था पूरा का पूरा बस स्टैंड, और ये था पालमपुर। देख सकते हो ना हमारे राकेश भाई की गाड़ी ये है, और हम लोग गाड़ी में बैठने वाले हैं। गाड़ी में कौन सा यार सुखी रहने वाले हैं हम लोग, गाड़ी में भी गर्मी होती है इतनी, ऊपर से ना धूप पड़ रही है, और गाड़ी में बैठेंगे तो गर्मी होगी, बस गर्मी होगी, गर्मी होगी। मोटे कपड़े पहने अभी उतार देंगे हम लोग। और गाइस ये था पूरा का पूरा पालमपुर। गाइस काफी प्यारी जगह है गाइस, आप लोग भी आओ विजिट करो, टूरिस्ट एरिया है। और गाइस हमने ना लोगों के साथ बातचीत की, लोग ठीक थे गाइस, अच्छा रिस्पांस था। सुबह का टाइम थोड़ा बिजी चल रहा था लोगों का शेड्यूल, और अभी के टाइम पे हमें भी थक लगी है गाइस, उतनी बातें नहीं निकल रही हैं, और गर्मी में गाइस क्या ही बोले। और आज के लिए गाइस इतना ही था, और अभी हम लोग ना जाएंगे यहाँ से सीधा डायरेक्ट कांगड़ा जाएंगे, कांगड़ा में भी थोड़ा सा काम है, वहाँ काम करेंगे, और उसके बाद देखते क्या बनता है, घर वापसी होती है आज या नहीं। गाइस अभी हम लोग ना पालमपुर से निकल चुके हैं, अभी कांगड़ा जाने वाले हैं, तो कांगड़ा के लिए निकल चुके हैं गाइस। और गाइस रास्ते का व्यू देखो यार कितना अल्टीमेट, और कितना प्यारा लग रहा है सामने, देखो ना इतना प्यारा लग रहा है। और गाइस अभी हमें कांगड़ा जाके भी थोड़ा सा काम है, वीडियोस का ही काम है, तो वहां जाके अपना काम फिनिश करेंगे, और उसके बाद देखते क्या बनता है। और ये हमारे राकेश भाई, और क्या चल भाई, कैसा रहा दिन भाई? मारा पूछो ही मत, मारा वैसा रहा। और गाइस सामने देखो यार ये जो सनसेट हो रहा है ना, इतना प्यारा लग रहा है गाइस, वाओ अल्टीमेट। गाइस सामने देखो यार मेरे हाथ में जैसे सनसेट पूरा ही सन। तेरे सपनों में मेरा जी, मुझे लगता है कि बात दिल की या न हो, क्या फर्क है जिंदगी बेदर्द है, तुम साथ हो हम लोग ना कांगड़ा पहुंचे, तो कांगड़ा में अपना काम था, कुछ काम था। और गाइस यहाँ पे ना गलियों में हम लोग फंस चुके हैं, सामने देख सकते हो ना गलियां ही गलियां। भाई कैसी फीलिंग आ रही है? मोन भाई ने मैप का यूज करके भाई देखो काम सा भाई, गूगल ना हर जगह धोखा देता है यार, सच बताऊं गलियों में खास करके भाई। और हमारे भाई ना ये देखो भाई, हमारे गाड़ी से उठ के जाना पड़ा स्कूटी साइड करने के लिए, और अभी ये छोटी सी छोटा सा रास्ता है देख सकते हो ना, छोटी सी गली है, और हमारा साथ ही रह गया भाई, उसको भी ले चलो। इन गलियों ने इतना धोखा दिया ना जिसका कोई हिसाब नहीं, और फिलहाल गलियों गलियों से होके जा रहे हैं, देखते कब तक तेरी गलियां भाई, तेरी गलियां भाई, फंस गए हम, फंस गए, देखते कब तक पहुंचते। गाइस हमें थोड़ा काम है ना वीडियोस को लेकर थोड़ा, तो आपने गाइस बने रहना है, और अभी गलियों में ना बीच में फंस चुके, और एक हमारे भाई गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए हो भाई, कहाँ गए हो भाई, कर पता भाई, लोग सच में गालियां दे रहे भाई, वो सामने से गाड़ियां भी है रास्ता नीचे से भाई, घूम लो अंदर चटपट पूरी चलो रहा भाई, भाई भाई लाप करो बोला है क्या भाई, मेनू तो भाई ते ओनु है नहीं, तो भाई हो जाएगी इधर स्कूटी को डबल स्टैंड लगा था ना भाई हमारे उठाने के, और स्टैंड था ही छोड़ने लायक, और हम लोग आके निकल गए, भाई बेचारे अकेले फंस गए ना वहाँ, छोड़ने के लायक ना कुछ करने के लायक, ओ भाई साहब उसका हो गया भाई बिल्कुल गली में, 140 मीटर भाई, 140 मीटर तो है भाई, पर 140 मीटर ना हमारे मीटर डाउन, सुबह के 3 बज रहे और हम लोग ना कांगड़ा से आगे आ चुके हैं, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोत पे पहुंच गए भाई, लगभग पहुंच ही है। और गाइस हम लोग ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना थोड़ा माहौल काफी डेंजर लग रहा है, क्योंकि बाहर मौसम भी खराब है, तो थोड़ा डरावना सा माहौल बना हुआ है। और ये देखो अपने भाई लोग कुछ
सो गाइस सुबह के 4:30 बजे और फिलहाल अभी जाके ना हम लोग चंबा पहुंचे और चंबा मैं अपने रूम ही जा रहा हूँ। अभी गाड़ी से उतरा हूँ गाइस, सभी अपने अपने रूम चले गए और अभी मैं भी जा रहा हूँ गाइस। ये था एक छोटा सा ट्रिप समझ लो, मतलब पालमपुर का हम लोग गए थे, वहाँ पे इंजॉय किया, मतलब इंजॉय तो क्या, मतलब घूमे, लोगों से बातचीत की। और गाइस जैसे ना शाम को हम कांगड़ा गए थे, वहाँ पे ना एकदम से मौसम ख़राब हो गया था, उसके बाद गाइस टाइम नहीं लग पाया यार। फिर रात को ना हम लोग रुके थे, बीच बीच रास्ते में रुक रहे थे, कभी रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, तो थोड़ा मौसम ख़राब था ना, तो करके थोड़ा हम कुछ कर नहीं पाए। और फिलहाल गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोज़ जो है ना पार्ट्स वाइज आने वाली हैं, तो आप चेकआउट करना चैनल को, पार्ट्स वाइज वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ढेर सारा प्यार।